नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से 4 मार्च से लेकर 14 मार्च का समय आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन समयावधि में जो भी ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, जो भी ग्रहों में बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, इनका सीधा असर आप सभी के जीवन काल पर देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, और यकीन मानिए ये घटनाएं आपको बिल्कुल ही चौंका देने वाली साबित होंगी। तो दोस्तों, यश में जो भी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, यश में आपको किन चित्रों को लेकर सावधान भी रहना होगा, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, आप इन्हें शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में यश में कौन कौन से सुधार, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी के जन्मकाल में यश में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, इन्हीं सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय हनुमान, महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि आप सभी के जीवन काल में इच्छा शक्ति के एक किरण को जागृत कर देंगे। तो दोस्तों, इन्हें भी आप बहुत ही गौर से सुनिएगा। जी दोस्तों, कि दोस्तों एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाते हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया कि इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, लेकिन आपका टैलेंट, आपका हुनर चुरा नहीं सकता। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि 4 मार्च लेकर 14 मार्च के बीच आप शुभ जन्म काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। दोस्तों, यह समय पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय होगा। यह समय किसी महत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी कोशिश भी कामयाब होंगी तथा अपने नजदीकियों के साथ संबंधों में भी आश्चर्यजनक सुधार आएगा। और दोस्तों, आप अपने जीवन साथी किसी कार्य की कोई नई शुरुआत भी करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, कभी कभी फालतू कामों में और दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने फिरने से या फिर घूमने फिरने में समय बिताने से महत्वपूर्ण कार्य भी यश में रुक सकती है। यह समय पूरा ध्यान अपने कार्यों पर लगाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों, किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह यश में आप अवश्य लें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, आपके लक्ष्य की प्राप्ति को और तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपको समाधान मिलना मुश्किल हो सकता है। अधिक से अधिक वर्तमान में रहकर अपने प्रयत्नों को जारी रखें। दोस्तों, आपके प्रयत्न में बाधा डालने वाले लोगों से यश में दूरी बनाकर रखें और जितना हो सके उतना उनसे वाद विवाद करने से बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी यश में बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। प्रभावशाली लोगों के जो सानिध्य में समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तिगत में भी निखार आएगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय किसी भी प्रकार का लोन या फिर उधार लेने से योजना न बनाएं दोस्तों, क्योंकि भविष्य में उसे चुकाने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें, कई बार ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल जाता है। साथ ही दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के किसी व्यक्ति को उनके कार्य के लिए सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, सामाजिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, जो नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उपयुक्त होगी। दोस्तों, बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। साथ ही दोस्तों, सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, मन मुताबिक पेमेंट वापस मिल जाने से मन में राहत मिलेगी। धार्मिक संस्थाओं में सेवा संबंधी कार्य के प्रति पूर्ण योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपको किसी काम के प्रति निर्णय लेने से कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए अति आवश्यक है कि घर के वरिष्ठ व्यक्ति या फिर अनुभवों की आप सलाह लें। दोस्तों, अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तो इसका ध्यान रखें। यश में आपके लिए जो समय होंगे, आप पर डिप्रेशन और नकारात्मक बातों का प्रभाव अधिक दिखेगा, जिसकी वजह से आप सभी से दूर रहना पसंद करेंगे। दोस्तों, आपके अंदर बन रही नकारात्मकता की वजह से आप जिन बातों में प्रगति देख रहे थे, उन बातों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से सुफल प्रदान करने वाला है। दोस्तों व्यक्तिगत कार्यों में सफलता मिलने से मानसिक शांति भी आप अनुभव करेंगे। कठिन से कठिन कार्यों में परिणाम आप अपने दृढ़ निश्चय शक्ति से निकालने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों यह समय ग्रह स्थिति यही अगवा कर रही है कि स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें तभी सफलता प्राप्त होगी। तो समाज में पहचान बनाने का जो समय है यह बिल्कुल सही समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी बढ़ती एकाग्रता काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएगी और सफलता प्रदान करेगी। दोस्तों भूतकाल में निकलकर केवल भविष्य का ही विचार करते रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके काम की गति को औरों द्वारा पकड़ पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरों के लिए ये जो समय है अधिक वक्त ना निकालें यह आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसायिक स्थल पर कुछ नए अनुबंध मिलेंगे जो कि आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा तथा कार्य क्षेत्र में भी आपकी छवि व फिर प्रतिष्ठा में यह वृद्धि करेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी स्थितियां यथावत ही रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय व्यवसाय में स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है। टैक्स लोन आदि जैसे मामलों में भी कुछ उलझने उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों इन कामों में आज के दिन आप ना ही पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों अर्थात निर्यात संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण अनुबंध यश में आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय व्यवसाय में या फिर मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने का उचित समय होगा। यह समय सारा दिन बाहर की गतिविधियों में व्यतीत होगा। कुछ ठोस निर्णय भी आप यश में ले पाएंगे। नौकरी में स्थिति जो है यश में मजबूत बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन संबंधी कार्यों में व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों यश में परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा जो भी संबंध है यश में बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों वैवाहिक जीवन यश में सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी तथा विवाह में जो परिणित होने की अवसर भी यश में बनेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे किसी के प्रति बढ़ता आकर्षण आपके लिए जो है सकारात्मक बदलाव भी आएगा। दोस्तों यह समय इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह संबंधी योजनाएं भी बन सकती है। दोस्तों घर में विवाह की तैयारियों को लेकर घर में उत्साह भरा माहौल भी यह समय रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। घर का वातावरण भी यश में मधुर रहेगा। घर के किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी बातचीत भी यश में चल सकती है। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों पारिवारिक माहौल यश में सुखमय बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य यश में उत्तम रहेगा, परंतु थोड़ी सी खांसी जुकाम जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। जरा सी सावधानी यश में आपके लिए बचाव करेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे कभी कभी माइग्रेन तथा सिर दर्द की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण आपके ऊपर आलस भी हावी हो सकती है। दोस्तों यश में आपको बार बार आगाह किया जाता है कि गले से संबंधित किसी भी इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए दोस्तों इन्हें गंभीरता से लें और तुरंत इलाज लें।